हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रियलमी 3 प्रो के न्यू अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप रियलमी 3 प्रो डिवाइस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ सामने निकल कर आई है। फाइनली रियलमी 3 प्रो के लिए काफ़ी टाइम के वेट करने के बाद एक न्यू अपडेट रोल आउट कर दिया गया है 8.20 का। एंड इस अपडेट में काफ़ी सारे न्यू फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि द मोस्ट अवेटेड फीचर डार्क मोड का फीचर भी फाइनली रियलमी 3 प्रो के लिए अनेबल कर दिया गया है। तो अभी आप रियलमी 3 प्रो में किसी भी एप्लीकेशन में डार्क मोड के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। साथ में न्यू चार्जिंग एनिमेशन, नोटिफिकेशन बार में चेंजेस, सेटिंग्स में काफ़ी सारे चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी 3 प्रो के इसी न्यू अपडेट के बारे में, क्या कुछ चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये अपडेट अभी तक कुछ ही यूजर्स को मिला है, तो सभी यूजर्स को फाइनली ये अपडेट कब तक मिलेगा, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो कैसे आप डाउनलोड लिंक्स की हेल्प से इस अपडेट को सक्सेसफुली अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सारी प्रोसेस, फीचर्स, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसी बात पर वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि Realme के किसी भी डिवाइस में न्यू अपडेट आए तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए Realme 3 Pro के इस न्यू अपडेट के बारे में, तो अपडेट का फुल वर्जन यहां पर आप देख सकते हैं, RMX 1851 EX_11_A.20। तो इस अपडेट के वर्जन के एंड में आपको 8.20 मिल जाता है। तो 8.20 का लेटेस्ट अपडेट Realme 3 Pro के लिए कल यहां पर Realme इंडिया की तरफ से रोल आउट किया गया है। एंड सबसे पहला चेंज आप देख सकते हैं, लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको प्रोवाइड किया गया है 5 अक्टूबर 2019, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर सिस्टम अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड चेंज को, जो कि कलर ओएस 6 के जो पीछे आपको एनिमेशन मिलती है येलो कलर की, तो ये भी यहाँ पर इस अपडेट के साथ यहाँ पर ऐड कर दी गई है, जो कि यार देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। अगर हम बात करें अपडेट लुक के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट डार्क मोड, तो डार्क मोड का फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो सेटिंग्स में बिल्कुल लास्ट में आपको रियलमी लैब का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क मोड का फीचर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको अनेबल नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसे आप इसे अनेबल करेंगे तो पूरा सेटिंग्स का डिज़ाइन यहाँ पर डार्क मोड में एंटर हो जाएगा। नोटिफिकेशन बार, स्टेटस बार, वॉल्यूम स्लाइडर, कंट्रोलर, स्मार्ट असिस्टेंट, सब कुछ यहाँ पर डार्क मोड में काम करेगा। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डार्क मोड में यूज़ करना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप अभी रियलमी के किसी भी डिवाइस में यहाँ पर डार्क मोड के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको उस एप्लीकेशन को अनेबल कर देना है, जैसे कि मैं सेरिट को यहाँ पर अनेबल करता हूँ। तो एंड यहाँ पर गाइस, अभी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं सेरिट यहाँ पर डार्क मोड में एंटर हो चुका है। एंड गाइस, अगर मैं इसे यहाँ पर ऑफ करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं सेरिट से यहाँ पर डार्क मोड ऑफ हो चुका है। तो ऐसे ये यहाँ पर काम करता है, जिस एप्लीकेशन के लिए आपको यूज़ करना है तो सिंपली आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर बात करी जाए नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो अपडेट चेंज लॉग में यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेटेड चार्जिंग एनिमेशन। तो दोस्तों, जो डिवाइस की जो चार्जिंग एनिमेशन है, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्जिंग एनिमेशन है, थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर Realme 3 Pro डिवाइस के लिए, जो कि वूक चार्ज 3.0 सपोर्टेड है, इसके लिए ऑलरेडी चार्जिंग एनिमेशन पहले भी प्रोवाइड की गई थी। एंड थोड़े बहुत चेंजेस इस अपडेट के साथ भी प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है एडिड फास्ट स्विच टॉगल्स बिटवीन सिम इन नोटिफिकेशन सेंटर। तो नोटिफिकेशन सेंटर में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट टाइम के नीचे आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं किया गया इस पॉइंट में। अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर एंड स्टेटस बार में कुछ चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है रिमूव्ड द रिमाइंडर आफ्टर द हॉटस्पॉट अनेबल्ड। तो दोस्तों, जैसे भी आप Realme 3 Pro में हॉटस्पॉट को अनेबल करते थे तो बार बार नोटिफिकेशन स्टेटस बार में आपको उसका रिमाइंडर शो करता था कि आपका हॉटस्पॉट यहाँ पर अनेबल हो चुका है। तो अभी इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फीचर था। बस आपको एक ही बार ये यहाँ पर इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है आपका एडिडेस स्विच ऑफ द स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन फॉर ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन सेंटर। तो दोस्तों, जैसे आप होम स्क्रीन पर स्लाइड डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सर्च बार ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाएगा, तो ये फीचर भी आपका यहाँ पर ऐड कर दिया गया है।
दोस्तों वीडियो में आगे हम और भी डिटेल में बात करेंगे कि जिन यूजर्स को अपडेट नहीं मिला तो उनको कब तक मिलेगा, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो कैसे आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम के अभी आप अपने डिवाइस में अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सेटिंग्स में कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। एडिट रियलमी लेबोरेटरी, तो रियलमी लेबोरेटरी का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर रियलमी लैब का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, जिसमें आपको डार्क मोड का फीचर मिलता है, तो ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिडास स्विच ऑफ नोटिफिकेशन डॉट फॉर अपडेट्स, एंड दोस्तों लास्ट है टच अपडेटेड फर्मवेयर वर्जन टू ऑप्टिमाइज गेम एक्सपीरियंस। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया गया ताकि आपको अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, एंड जो इससे पहले वाला था कि एक स्विच ऐड किया गया नोटिफिकेशन डॉट्स फॉर अपडेट्स, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार का ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन डॉट फॉर अपडेट्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ए डॉट विल अपीयर ऑन द ऐप आइकन व्हेन देयर आर अपडेट्स। तो दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन का अगर कोई अपडेट आया होगा तो उसके ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट देखने को मिलेगा, ताकि आपको ये रिमाइंडर प्रोवाइड करे कि इस एप्लीकेशन का अपडेट आ चुका है, आप उसे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स यहाँ पर इस अपडेट के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे फीचर्स और भी प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी मैंने आपको मेन फीचर्स सारे डिटेल में बता दिए हैं, एंड सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है इसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। गाइस अगर बात करी जाए कि जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला तो उनको फाइनली ये अपडेट कब तक मिलेगा, तो ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये यहाँ पर कुछ ही यूजर्स को मिला है। जैसे यहाँ पर टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो 1 वीक के अंदर बाकी सभी यूजर्स को भी अपडेट मिल जाएगा, तो 5 दिन के आसपास आपको वेट करना पड़ेगा, जल्दी नेक्स्ट वीक तक ये अपडेट आपको मिलने वाला है। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट की मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी की फुल फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि 2.74 GB की है, तो 2.5 GB से ऊपर आपको ये फाइल मिल जाती है, जबकि OTA अपडेट आपको 500 कुछ मतलब कम MB साइज़ का ये अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर ये फुल रोम का साइज़ है, तो आपको फुल रोम डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन फीचर सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेंगे। बस दोस्तों फिर आपको अपने डिवाइस को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन एंड पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके सिंपली इसको अपडेट यहाँ पर अपने डिवाइस को कर लेना है। आई होप आपको ये मेथड पता होगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई भी इश्यू आपको नहीं होगा अगर आप ऐसे यहाँ पर मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे, कोई आपका डाटा इरेज नहीं होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं 5-6 दिनों का, या फिर मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।